अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये मेरे किचन का बैक डोर है, इसको खोला था तो इतनी अच्छी हवा आ रही थी, क्योंकि रात को थोड़ी बारिश हुई थी ना, तो वो जो सो आप सामने आप एक रूम देख रहे थे वो मेरा बेडरूम था। और आज सैडी में वही हम लोगों ने सब कुछ रात वाला ही खाया था, गेस्ट आए हुए थे तो काफ़ी खाना बच गया था। तो जब तक खाना फिनिश नहीं होता है ना, तो मैंने अपने बच्चों को भी यही आदत डाली हुई है कि पहले खाना फिनिश करो जो बना हुआ है, उसके बाद मैं न्यू खाना बनाऊंगी। तो इसलिए हम लोगों ने सहरी में भी वही खाना खाया था। उठते सारी हस्बैंड को थोड़ा सा ऑफिस का काम था तो वो अपना काम करने के लिए बैठ गए, लेकिन आज मैं काफ़ी बोर हुई थी क्योंकि अफ्तारी में कुछ नहीं था बनाना, बिल्कुल ही फ्री डे था आज। तो बैठ बैठ के कोई समझ नहीं आ रही थी कि आज क्या करूं। और ये मेरा बेटा है जिसको ना बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार था, तो आई थिंक कुछ जूस वगैरह ज़्यादा ठंडा पी लिया इसने, तो इसलिए। फिर ये आप देखेंगे अफ्तारी में भी मैंने कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं, वही कल रात वाली मैंने चीज़ें सारे कुछ रखा है। तो मेरी शुरू से यही आदत है कि जब तक खाना पहले वाला फिनिश नहीं होगा, अभी इतना ज़्यादा खाना था, अभी इसको वेस्ट तो नहीं कर सकते थे ना, तो इसलिए फिर वन डे के लिए हमने फिर एक दफ़ा फिर से यही खाना खा लिया था। तो खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही बच्चे कहते हैं कि हम लोगों ने मैकडोनल्ड खाना, वो दो तीन दिन से ही कह रहे थे, लेकिन रोज़ा खोलने के बाद इतनी पावर ही नहीं होती कि बच्चों को लेकर मैकडोनल्ड वगैरह जा सके। तो मैंने उनको बोला चले मैं खुद ही अकेले ही जा के ले आती हूँ, और आते हुए मैं अपने हस्बैंड को कुछ काम बोल के आई थी कि आप मेरे आने तक वो काम करें, तो हो सकता है कि उन्होंने मेरे जाने तक वो काम कर दिया हो, तो इंशाल्लाह मैं आपको घर जाकर दिखाती हूँ कि उन्होंने वो काम किया कि नहीं जो मैं उनको दे के आई हूँ। तो ये रहा यूनियन को, आप लोगों को पता होगा इसी के अंदर मेरा जिम भी है, यहीं पे मैकडोनल्ड है, यहीं पे ग्रोसरी भी है, ये सामने मैकडोनल्ड है। तो मैं बच्चों को कहा था कि आप लोग घर पे रुको, फिर मैं आप लोगों के लिए खुद ही ले आती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे थे लेकिन वो कोई प्रॉब्लम हो रही थी ऑनलाइन ऑर्डर में। तो फिर ये 5 मिनट का ही तो रास्ता था हमने कार से, तो मैंने कहा चले मैं जाकर तो ले आती हूँ। तो ये रहे इस वीक के हैप्पी मील के टॉयज, और ये हमारा टोटल बिल बना था 91 दिरहम, और बच्चों के वही चिकन बर्गर और स्मोकी बारबेक्यू ये सब कुछ था। और ये उन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ था कि डोनेशन के लिए आप 5 दिरहम उनको दें, तो ये आपको ये कार्ड देंगे, ये अच्छे कार्ड बने हुए थे, बच्चे काफ़ी देर से इसके साथ खेल भी रहे थे, तो वो जो आप 5 दिरहम का ये कार्ड बाय करेंगे तो वो सीधा डोनेशन में ही जाएंगे। तो मैंने ये कार्ड भी बाय कर लिए कि चलिए अच्छी बात है कि ये डोनेशन में जाएंगे। और ये रही इनकी 5 दिरहम का ये डोनट ब्राउनीज़, और मैं यहाँ पे 7 दिरहम की कॉफ़ी लेती हूँ स्मॉल कप, उसके साथ ही मुझे डोनट फ्री में मिल जाता है। तो ये इस वीक का इसका मेन्यू था, और ये रहा यूनियन को आपकी बेस्ट डील्स, इंशाल्लाह किसी दिन आपको लेके आऊँगी। और ये रहा इनके गार्बेज बिन, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है, प्लास्टिक अलग और ये सब कुछ अलग अलग उन्होंने बनाया होता है रिसाइकिलिंग के लिए, तो अच्छा है कि आप लोग हमने गार्बेज ने जो ऊपर लिखा होता है वैसे करें। और फाइनली जब मैं घर आई तो मैं इतना खुश थी कि आखिरकार मेरी लाइट्स ऑन हो ही गई हैं आज। हस्बैंड को जो काम दे के गई थी उन्होंने मेरे आने तक ये काम पूरा कर दिया हुआ था अपना, और मैं इतनी खुश थी। अब मैं आपको अपने बाहर से भी गार्डन की भी दिखाती हूँ लाइट्स, तो वाओ होप सो कि आप लोगों को मेरा ये मेरी ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अभी भी काफ़ी लाइट्स लगाने के लिए बाकी हैं, तो मैं भी मार्केट जाऊँगी तो वो मैं बाकी भी